नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, अवस्था, ये सारे जितने शब्द है वह सारे संज्ञा है। जितने भी नाम हैं हमें इसकी परिभाषा अगर याद रखनी है तो हम छोटा सा ही याद रखेंगे कि जितने भी नाम है वो सारे शब्द संज्ञा है। ये आपको याद भी रहेगी। आपको क्या याद रखना है कि जितने भी नाम है वो सारे संज्ञा शब्द है। संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम ये वाक्य देखें तो भीमराव इंग्लैंड चले गए। यहाँ पर भीमराव जो है वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है। फिर आगे देखो इंग्लैंड, तो इंग्लैंड एक विशेष देश का नाम है। फिर दूसरे वाक्य में आप देखो शानदार, तो शानदार जो है वो एक विशेष लड़की का नाम है। उसके आगे चेतक, चेतक यहाँ पर चेतक अनोखा घोड़ा है। यहाँ पर चेतक जो है एक विशेष घोड़े का नाम है। इसके आगे आप देखो नर्मदा अमर कंटक से निकलती है, तो नर्मदा एक विशेष नदी का नाम परिभाषा हम देखें तो कुछ इस तरह होगी कि किसी विशेष, है ना, नाम तो है मगर के साथ, क्योंकि भाई कोई विशेष नाम, तो भीमराव जो है एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इंग्लैंड विशेष देश का नाम है। तो व्यक्तिवाचक की संज्ञा कुछ इस तरह से होगी कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम देखें तो जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर हम पहला वाक्य देखें तो गांव के पास ही एक संत रहते थे। यहाँ पर आप देखो तो गांव, फिर संत, यहाँ पर गांव, यहाँ पर हमें ऐसा नहीं बताया है कि भद्रेश्वर गांव, है ना, कोई भी गांव और संत, तो यहाँ पर कोई एक संत के बारे में नहीं है, सारे संतों के बारे में बताया गया है कि गांव के पास एक ही संत रहते थे। इसमें कोई संत का नाम नहीं है, पूरे संत की जाति का नाम है। फिर आगे आप देखो उसने बेल बेच दिए, यहाँ पर कोई एक बेल का नाम नहीं है मगर पूरी जाति, बेल जाति। फिर आप देखो यहाँ पर चित्रकार ने युक्ति की, चित्रकार, चित्रकार तो सभी चित्रकार ही होते हैं। फिर आगे आप देखो लोग नदी को माता मानते हैं, यहाँ पर नदी तो सभी नदियों की बात है। फिर माता तो सभी माताओं की बात है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखें तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि पूरी जाति का यहाँ पर हमें बोध होगा, यानी कि पूरी जाति के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। किसी विशेष नहीं, गांव तो किसी विशेष गांव के बारे
बारे में नहीं, बैल तो किसी विशेष बैल के बारे में नहीं, चित्रकार तो किसी विशेष चित्रकार के बारे में नहीं, नदी तो किसी विशेष नदी के बारे में नहीं, मगर पूरी नदियों की यहाँ पर बात है, पूरे चित्रकार की बात है, सभी बैल की बात है, गांव की बात है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, आपको आपकी नोटबुक में स्वाध्याय में जो प्रश्न है आपकी पुस्तक में संज्ञा को ढूंढकर लिखिए, तो उसमें से आपको लिखना है। धन्यवाद।